आज की वीडियो में आप देखेंगे कि इस तरह के पतले कागज़ के बैग्स को मैं कैसे ऑर्गेनाइज करूंगी। कैचअप के हाली पैक के साथ आज मैं क्या जुगाड़ करने वाली हूं आज की वीडियो में आपको ये दिखाऊंगी। इसके अलावा और भी बहुत कुछ है आप लोग के लिए, तो वीडियो को फुल वॉच करना है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब लोग ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में सबसे पहले मैं आपको ये दिखाऊँगी, गर्मियों हो या सर्दियाँ, शूज़ के अंदर बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल आने लगती है। तो इस स्मेल को दूर करने का सिर्फ एक ही तरीका हम लोगों को पता होता है कि हम शूज़ को धो लेते हैं, जिसकी वजह से शूज़ धोने से ख़राब हो जाते हैं, या फिर इनको धूप लगा लेते हैं। धूप लगाने से ये होता है कि थोड़ी सी इसकी जो स्मेल है वो कम हो जाती है, लेकिन प्रॉपर ख़त्म नहीं होती। तो इसके लिए मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी सी टिप लेके आई हूँ। जैसे कि आपने देखा है कि मैंने लेमन के छिलके डाल दिए थे। अगर गर्मियों के मौसम है तो लेमन के छिलके तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन सर्दियों में आपके लिए माल्टे और किन्नू के जो छिलके हैं वो लेमन की जगह काम आएंगे। तो इस तरह से आप इनको रख लें और सारी रात के लिए आप छोड़ दें, तो गंदी स्मेल की जगह बहुत ही अच्छी सी स्मेल इसके अंदर से आने लगेगी। तो आते हैं जी हैक नंबर टू की तरफ। इस तरह की पुरानी और बहुत ही खूबसूरत से प्रिंट वाली अगर आपके पास शर्ट है तो उसको आपने फेंकना नहीं है, बिल्कुल भी उसको ज़ाया नहीं करना, बल्कि आज मैं उसके साथ एक ऑर्गेनाइज़र बनाऊँगी। और फिर साथ में इस तरह का खाली डिब्बा ले लें। अब इसकी जो साइडें हैं ये आप उतारना चाहे तो उतार लें, मैंने इसको ऐसे ही छोड़ा है। तो इसको अभी मैं पहनाऊंगी शर्ट, और किस तरह से पहनाऊंगी आपने वीडियो को देखना है। और फिर आपने इस तरह से अपने घर में भी कोई अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र बनाना है जिसमें आप बहुत सी चीज़ें सेव कर सकती हैं। इसमें शर्ट्स रखें, पैंट्स रखें, अपनी गर्मी और सर्दियों के कपड़े अगर आप इसमें रखना चाहती हैं वो भी आप इसमें रख सकती हैं। तो इस तरह से जो शर्ट का खुला हिस्सा है उस तरफ से हम इस डिब्बे को पहनाना शुरू करेंगे, और इसकी जो डिज़ाइनिंग है वो दो साइड पे आ जाएगी, एक लंबाई वाली साइड पे और एक चौड़ाई वाली साइड पे, जिससे इसकी खूबसूरती में बहुत ज़्यादा इजाफा होने वाला है। तो ये देखिए, ये इसको मैं पहना रही हूँ। और इसके बाजू और जो गले वाली साइड है इसको आप इस तरह से डिब्बे के अंदर ही सेट कर लें। अगर कार्डबोर्ड है तो वो आप इसके अंदर वाली साइड पर यहाँ पर रख लें। वैसे मैंने नहीं रखा क्योंकि मेरे पास नहीं था, और वैसे ही मैंने इसके अंदर अपनी बेडशीट्स को रखना है, तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि नीचे कुछ रखा जाए। तो ये देखें, ये इस तरह से बेडशीट्स को मैं इसके अंदर सेट कर रही हूँ। तो साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि बेडशीट को अच्छी तरह से किस तरह से आप फोल्ड करके रख सकते हैं कि इसके तकिए और इसके जो सराहने हैं वो इधर उधर ना हो और टाइम पे आपको एक ही जगह से मिल जाए। तो इस तरह से मैंने एक सराहना और दो चादरें जो है एक जगह फोल्ड कर ली हैं, और एक सराहने के अंदर मैं इस तरह से इनको डाल रही हूँ। तो बेडशीट्स को आप इस तरह से तय करके रखें ताकि इनकी इस्त्री वगैरह भी ख़राब ना हो और ये एक ही जगह से आपको मिल जाए। ये देखिए कितने अच्छे ये लग रहे हैं। और अब इसको मैं इसके अंदर सेट कर लूँगी। तो जितनी चादरें सराहने वगैरह हैं तो आप इस तरह इस डिब्बे के अंदर सेट कर लें। अब आते हैं हैक नंबर थ्री की तरफ। इस तरह कैचअप के जो पैकेट हैं जो खाली होते हैं तो हम फेंक देते हैं, लेकिन अब आप इनको बिल्कुल भी मत फेंकना, क्योंकि इसके अंदर गर्म पानी डाल के तो आप इनके साथ टकोर कर सकते हैं। अब बाहर से आपने गर्म पानी की बोतलें खरीदी नहीं लानी, बल्कि इस तरह से खाली पैकेट जो आपके घर में होते हैं इसके अंदर गर्म पानी डाल के तो आप इस तरह से अपनी फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो बोतल तैयार कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से आप अपनी बेल्ट को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। तो जिस तरह से भी हम लेदर की बेल्ट को फोल्ड करते हैं तो ये जो है वो खुल जाती है। आज मैं आपको बताऊँगी कि लेदर की बेल्ट हो या कोई भी बेल्ट हो तो इसको आप किस तरह से फोल्ड करके रख सकते हैं कि ये बिल्कुल भी ना खुले। तो ये देखें, जिस तरह से बेल्ट बांधते हैं सेम इस तरह से ही आपने बेल्ट की एक साइड को उल्टी साइड से आपने बेल्ट के अंदर डालना है, और फिर वो वाली साइड आपने इस तरह से फोल्ड कर देनी है। इस तरह से अगर आप बेल्ट को फोल्ड करेंगी तो आपकी बेल्ट बिल्कुल भी नहीं खुलेगी। तो ये देखें, इस तरह से मैंने इसको फोल्ड कर दिया है। तो इस तरह से मैं दोबारा से आपको बेल्ट को फोल्ड करना बताती हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए।
फिर आप इन बेल्ट्स को किसी ऑर्गेनाइज़र वगैरह में इस तरह से सेट करके रख लें ताकि ये टाइम पे आपको मिल भी जाए और ऑर्गेनाइज भी रहें। तो इस तरह के कागज़ के जो बैग्स आते हैं इनको भी आप फेंकें बिल्कुल भी नहीं, बल्कि इनको आप ऑर्गेनाइज़र के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। तो इनको मैं एक तरफ से काट लूँगी ताकि ये अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र बन सके। इसकी फोल्डिंग थोड़ी सी मुश्किल होती है क्योंकि ये बहुत ही पतला सा होता है, तो फिर इसको आप चारों तरफ से फोल्ड कर लें सेम इस तरह से। और अगर आपके पास कार्डबोर्ड है तो वो चारों तरफ रख दें, दरमियान में भी रख लें। मेरे पास कार्डबोर्ड नहीं था, मैंने सिर्फ आप लोगों के साथ आइडिया शेयर किया है। तो इस तरह से आप इसको फोल्ड कर लें, और अगर आप इसके अंदर कार्डबोर्ड रखेंगे तो बहुत ही मज़बूत सा ये ऑर्गेनाइज़र तैयार होगा। इसके अंदर आप अपनी सब्ज़ियाँ रखें, फ्रूट रखें, और इसको आप किचन की शेल्फ़ पे रखें तो बहुत ही प्यारा लगेगा। लास्ट मेरी टिप है कि जिस तरह से दूध ख़राब हो जाता है, फट जाता है, तो उसको हम फेंक देते हैं। तो आपने अभी बिल्कुल भी नहीं फेंकना है इसको। ये देखिए मेरा दूध जो है फट गया था, तो इसके अंदर मैंने एक दो लेमन के ड्रॉप्स डाले और फिर इसको मैंने अच्छी तरह से पिटाया ताकि इसका जो पनीर है वो अच्छे से बन जाए। तो ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता मैं चमचा हिलाती रही हूँ, तो ये देखिए इसका पनीर साथ साथ बनता जा रहा है। तो आपने इसको बिल्कुल भी नहीं फेंकना, बल्कि इसके साथ आप बहुत सी मिठाइयाँ भी बना सकते हैं, पनीर बना सकते हैं, चीज़ बना सकते हैं। आपको अगर नहीं इनकी रेसिपी पता तो आप YouTube पे सर्च करें, तो वहाँ से आपको बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी मिल जाएंगी। मेरे घर में जब दूध फट जाता है तो मैं उसके साथ हलवा बना लेती हूँ, क्योंकि बहुत ही आसान सी रेसिपी है। तो उसकी रेसिपी मैं जल्दी जल्दी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। आपने इस तरह से जब दूध फट जाता है तो इसमें से पानी निकाल दें, थोड़ा बहुत पानी रहने दें, और इसके अंदर चीनी और घी डाल के या ऑयल डाल लें। तो इसको भून लें, भूनने के बाद ये जब सारा पानी खुश्क हो जाएगा, अच्छी तरह से भुन जाएगा, तो बहुत डिलीशियस सा हलवा आपका तैयार होगा। उसके अंदर नट्स वगैरह डालें और इन्जॉय करें। तो प्यारी बहनों, ये थी मेरी आज की वीडियो। वीडियो पसंद आ जाते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी और बहुत ही अच्छी सी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।